देखो यूट्यूबर दी इज्जत कोई नहीं, जा तू। 9 बजने वाले हैं, अभी तक हमने खाना नहीं खाया। खैर लकमान थोड़े दिन तक जाने वाला है, पिछली वीडियो में भी बताया था, गया नहीं, टिकट आगे कटवा ली उसने, तो भूख बड़ी लगी है तो उसे लेके अब जाने लगे हैं सिटी कुछ खाने। अभी लकमान का इंतज़ार कर रहे हैं, ये लकमान का डेरा है और यहाँ पर रात की रानी एक पौधा होता है वो लगा हुआ है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। हाँ सही, मतलब वो ओद की तरह की परफ्यूम नहीं होती, उसकी तरह की खुशबू आ रही है रात की रानी। क्या बात है, कितने वे रात दी रानी बड़ी एडा छोटा पौधा है। ये जितना भी रास्ता है ना, ये गमले टोटल लगे हुए हैं सारे। ये लकमान के अबू को बड़ा शौक है ये पौधे वगैरह लगाने का। ये गुलाब का फूल किसी को देना हो तो बताइएगा, तोड़ा नहीं होने दिंदे इत्थों। केड़ी है तुसा ही देने ने जिन्नू देने ने, और किन्ने किसे ने देने, तुसा ही देने ने फूल जिन्नू। अच्छा केड़ी है वो, ते गुलाब दा फूल ओ नहीं मन पता ही नहीं, रात दी रानी देख के रात दी रानी ए वाली, ये रात दी रानी ए है ये तन्नू कदा पता है। आहो इसलिए हमें नजर नहीं आई रात की रानी, पर इसकी रात के वक्त ना खुशबू बड़ी खूबसूरत होती है। दिन का राजा भी कोई होता है मलका, दिन का राजा दिन खुशबू आती है। इस दिन दी असीं आए हैं ना, असीं रोज जा रहे हैं, ए गड्डी जा रही है अड्डा है, ये तो दिखाओ, ये हमारा अड्डा है, गैस कर लो कौन सा अड्डा है। जलेबियां और पकौड़ियां यहाँ पे बड़ी अच्छी मिलती हैं। असीं शहरां च पे घूमने आ, आ छड़ छरो यार, आ जिगरे चाहिदे ने, आ जिगरे आ, वे जिगरे अग्गे अग्गे डब्बा ही ना जा पे टक्कू दे विच। अजे भरावे रे असीं पेंडू आ, तुसीं पेंडू हो, असीं शहरी लोक आ भाई, असीं बाहर इस टाइम तुहानूं पता है इस टाइम बाहर निकल के घूमी फिरी जा, सानूं इस टाइम बहुत चस आंदी है। हाँ जी भाई हुंदा सी ना भाई, चलो पुट कुछ बो अच्छा सियालकोट सिटी में अगर बेस्ट कबाब खाने हो ना कहीं से, दही की चटनी के साथ, मतलब बड़े खूबसूरत और फ्रेश रोटी ताज़ी, ये है। ये जगह है शेहमोला वाली तालाब है, ठीक है, ये साथ वो स्टेडियम है और स्टेडियम के साथ ही ये जगह है, यहाँ पे कबाब बड़े मज़ेदार। आज तो नया एक लगा चूल्हा भी, इधर चांप लगती है और ये है रोटी का जी। अच्छा जी सबसे स्पेशल चीज़ इनकी ये है देसी रोटी, और उसके बाद स्पेशल चीज़ है ना जो इनकी, ये दही है मखाने है मलाई, ये मलाई के साथ जब खाते हैं ना आप, डिप करके, डिप करो मलाई साहब। अच्छा सारा तो उन्हें जो है ना वो इंजन कर देना, इंजन सारा उन्हें थले सुट चले वो तो कोई इंजन नहीं कराता रहा हाय हाय वो वीडियो वास्ते उन्हें इंजन कर लो भाई, तो बाद जा पे थले साल के कबाब खाए हैं हम ये जी, ग्रीनलैंड खरीद लें। और अगर खाना खाने के बाद आपको चाय की तलब हो ना, तो सबसे बेस्ट चाय मुझे अभी तक मैंने पी नहीं, देखने में जो लगी है वो कच्चे से जो है ना बर्तन के अंदर उबलती हुई चाय आपने सुनी तो होगी, यहाँ से मिलती है वो सियालकोट के अंदर। और अच्छा हम पहुँच चुके हैं मग्गे वाली चाय की तरफ, पता नहीं जी चाह के आई मुझे तो समझ नहीं आती पी, बदबू बड़ी तुम्हें चाह कपां च भी नहीं, तू मग्गिया च मग्गा भी डुच मग्गा वे फड़ना किधरों की है, तो बड़ा तपया तो कि पीनी घंटा तेन ठंडिया करना तो बैना पैना ना अपना कर बंदूक अगू ला
ਤਾਰੀ ਭਾਰੀ ਹੱਥੀ ਨਾ ਸੜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਉਬਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾੜ ਹੈ ਜਾਣੀ अच्छा जी खाना खा लिया था रात को और उसके बाद चाय भी हमने बड़ा मज़ा आया चाय का। मैंने तंदूरी चाय पहले नहीं थी पी। ये बार बार मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट पे जाता हूँ मैं एक ही लफ्ज़ कहता हूँ, यार मैं इस रेस्टोरेंट पे पहली दफ़ा आया हूँ, मैंने ये पहले ट्राई नहीं था कि आप खाया नहीं था। उसकी वजह कि वाकई हकीकत में मैं और शहजाद पिछली दफ़ा साथ थे जब हम छुट्टी आए थे, तो हम दोनों ने सिर्फ मैजियो और अल्लाह मालिक से पूरे 5-6 महीने खाना खाया था। इसके अलावा हमने ट्राई ही नहीं थे किए, शायद 2-4 किए होंगे। खैर रात को मैंने काफ़ी वीडियो शूट की थी, वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका, उसकी वजह के जितने भी सारे क्लिप्स थे ना वो थे ब्लर हो गए, क्योंकि ये जो मेरा कैमरा सोनी A6300 इसके अंदर वो फ्लिप स्क्रीन नहीं है। पता नहीं अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा चेहरा कहाँ तक आ रहा है, कट रहा हूँ नहीं कट रहा, मैं बस ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूँ तो पता नहीं चलता वीडियो ब्लर है कि नहीं। लो लाइट के अंदर सोनी का ये जो कैमरा है इसकी वीडियो ब्लर हो जाती है, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारे सीन्स जो थे क्लिप्स ब्लर हो गए थे। एक्चुअली आज एक सब्सक्राइबर आई हैं लाहौर से और वो काफ़ी सुबह की आई हुई हैं, मैं सोया हुआ था, मुझे मैसेज आया लेट मैंने सुना, तो वो अभी लाड़ी अड्डे पे बैठी हुई हैं, उनसे जाके मिलना है। उसके बाद आपको पता होगा मैं गया था इस्लामाबाद पासपोर्ट देने, वो काम ठीक है ना समझ के, तो वो पैसे भेजने हैं, बस अभी यही करना है। ओके जी, तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं मिस परी, परी आ जाएं अपने बारे में बताएं। हाँ हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिशा नियाज़ी और मैं यहाँ पे आई हुई हूँ सियालकोट आकाश इलाही से बात करने के लिए, मिलने के लिए और उनके साथ मिलके व्लॉगिंग करने के लिए। तो आइए मुझे देखते हैं क्या दिखाते हैं। मैं तो यही सोच के आई थी कि इनके साथ मिलके व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि इनकी व्लॉगिंग जब मैं देखती हूँ ये बड़ा उसमें फ़न क्रिएट कर रहे होते हैं, तो देखती हूँ आज मैं आई हूँ मेरे साथ मिलके ये कैसे क्या प्लान करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं मुझे और क्या इनके माइंड में है कि जब इनके पास कोई आता है फिर उसके साथ मिलके व्लॉगिंग ये कैसे करते हैं। तो ये देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी जी आकाश। अच्छा खैर अभी हम परी को दिखाने लेके आए हैं अपनी हिस्ट्री, अपना सियालकोट का किला, तो अभी वो दिखाते हैं और फिर उसके बाद कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं यहाँ पे आके। और इसकी थोड़ी बहुत जो कोई हिस्ट्री मुझे आधी पौनी सुनने को मिली है, तो अब मैं क्या करूँ, इस तरफ कैसे टर्न करके बात करूँ। बाकी अभी देखते हैं और डिफरेंट साइड पे जाते हैं तो कैसा लगता है, यहाँ पे आके अच्छा लगा है। फिर ओके किले पे हम गए थे तो परी को किला हमने दिखाया, उसके अलावा अभी भूख मुझे बहुत लगी है तो हम आए हैं बम्बई चपाती पे। बम्बई चपाती पे एक दफ़ा ही मैं आया हूँ शायद, वो लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी तब भी, तो बम्बई चपाती पे आज कुछ ट्राई करते हैं। परी चले अच्छा उन्होंने मुझे ये कहा कि जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मेरे वेयर अबाउट हैं, उन्होंने चैनल बनाए हैं, वो सिंपली जाते हैं भैंसों का दूध वो निकाल रहे हैं उसकी वीडियो पकड़ के अपलोड कर रहे हैं, वो कपड़े स्टिचिंग करके उसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो जो गली में खड़ा एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है उसी की वीडियो अपलोड कर रहा है, और इंडिया में खासतौर पर जो इंडियन देख रहे हैं वो बैठा एक बच्चा हम तारे को ये बता रहा है, तो एक्सट्रीमली सॉरी लेकिन उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनकी कौन सी लैंग्वेज जिसको आती है वो वीडियो डाल रहा है, मिनिमम 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर उसकी वीडियो चल भी रही है। अब बताएं आप देखिए वो खर्चा नहीं कर रहे आकाश जितना आप कर रहे हो, क्या वजह है? पता क्या बात है, हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। अगर आप मुझे कहें कि मैं कुछ इस टाइप की वीडियो बनाऊं जिनमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और अगर उनको कहें कि वो कुछ इस टाइप की वीडियोस बनाएं जिसके में उनको इंटरेस्ट नहीं, तो फिर यूट्यूब शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप तो इसलिए कह रहे हैं कि आपका दिल खुश हो, आप खुश हो काम करते हो, तभी मैं हूँ। अगर मैं सारा दिन वीडियो शूट करके घर जाता हूँ तो मैं सारी रात उसको बैठ के एडिट भी करता हूँ, क्यों मुझे मज़ा आ रहा है? अगर मैं सारा दिन लगा के कोई एक ऐसी वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा शूट करने में, उसको मैं एडिट कैसे करूँगा?
तो सिंपल सी बात है कि जो कंटेंट मुझे बनाने में मज़ा आ रहा है, डजंट मैटर उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है नहीं हो रही, कुछ बकवास बन रही है अच्छी बन रही है, मुझे वो बनाने में मज़ा आ रहा है। यही ये हांडी है, इसके अंदर ये सारा राइस है, नाम भूल गया मुझे इसका है। बड़ी कैसा लगे राइस इसके, अच्छे हैं? बहुत मज़े के, बहुत मज़े के हैं। और ये थोड़ा डिफरेंट इसका टेस्ट मुझे लगा है, मतलब लाहौर में जो जितने भी मैंने खाने खाए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट लगा है। इसके अलावा खुशबू भी काफ़ी आ रही है इसकी। अच्छा खाना हमने खा लिया, एज ऑलवेज बम्बई चपाती का खाना बड़ा ज़बरदस्त था। पता नहीं किसी ने मुझे लास्ट टाइम मैसेज पे बताया था कि बम्बई चपाती की जो पानी पूरी है ना वो बस नहीं ट्राई करना, बाकी जो मर्जी करो। इनकी वो जो बिरयानी थी ना वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और खैर अभी खाना हमने खा लिया, अभी परीक्षा जाने लगी हैं, तो बताएँ परीक्षा कैसा लगा आपको? मुझे सियालकोट आके बहुत अच्छा लगा, और ख़ास तौर पे आकाश इलाही के साथ मैंने आज ये सारा व्लॉग किया है तो बहुत अच्छा लगा है। मेरा नाम परीक्षा नियाज़ी है, चैनल का नाम भी परीक्षा नियाज़ी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक देयर सब्सक्राइब बटन। सियालकोट कैसा लगा आपको? सियालकोट बहुत अच्छा लगा, और ख़ास तौर पर मैंने यहाँ का खाना खाया और दो एक दो जगह घूमे हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम था हमारे पास तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। खैर सुबह 10 बजे की आई थी ये परीक्षे, तो मैं लेट आया था सिटी, और अभी क्योंकि इनको 3 घंटे जाने में भी लगेंगे तो अभी ये जाने लगी हैं, हम इनको छोड़ने आए हैं, तो बाकी मैं भी जाने लगा हूँ अभी। बस व्लॉग ख़त्म, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।